रोम रोम जी, क्या मौज आ रही हैं? आ भी रही हैं कि वैसे भी बखत कट रहा है? ये मेरा नहीं, रोम रोम जी की लाइन है। अपनी लाइन से शुरू करते हैं एक बार फिर। कैसन बा में आपका फिर से स्वागत है, और आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजें जिसमें इंडिया जापान से बेहतर है, और इसके बाद आप जापान आना भूल जाएंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव इन। एक नंबर पे आता है इंडियन सिनेमा। जी हाँ, इंडिया में तरह तरह के सिनेमा अच्छे हैं, जैसे कि बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी। वीडियो बनाते हैं, हम आपका बहुत बड़ा फैन है। अरे हट नहीं यार, आपसे मिले बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई क्या हुआ? भाई बहुत पेट दर्द कर रहा है। काहे पेट दर्द कर रहा है भाई? कल रात को पूरी कचौरी खा ली थी ना, तो नट खुल गया। भाई केड़े क्यों लटका रखे? तेरे बोल क्यों, क्या हो गया? ये मैंने केड़ा इसलिए लटका रहा कि ये खराब ना होएगी। अच्छा कैसे? अब इनको यो लग रहा है कि अब ये पेड़ पे लटक रही है। क्यों रे? बहुत ज्यादा यार। भाई हाँ, यार तेरे से कुछ पूछना था। हाँ हाँ तो पूछना। थैंक यू। आई होप जापानीज जो सिनेमा है ना, एकदम सड़ा हुआ बेकार सा है। बस ये टीवी पे आकर के ऐसे ही कॉमेडी करते रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं पड़ता। ड्राइविंग स्किल्स, जो ड्राइव करने की पावर इंडियन में होती है ना, वो जापान क्या पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होता है। हम इतने कंजस्टेड में इतने बड़े बड़े पे 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 करते हुए रास्ते से, छोटी सी रास्ते से गाड़ी निकाल लेते हैं ना, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। ये देखो रेलगाड़ी। जी, अपने भारत में सो कर जाने वाली ट्रेनें बहुत सस्ती अवेलेबल हैं, जो कि स्लीपर या फिर एसी क्लासेस बोली जाती हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। पूरी जापान घूम जाइए, आपको सो कर जाने वाला ट्रेन बहुत ही कम मिलेगा। आप बैठ कर जा सकते हैं, तेज जा सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन स्लीपर क्लास की सुविधा बहुत ही कम अवेलेबल है, और उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और सातवें नंबर पे आती हैं फैमिली। जी हाँ, हमारा अपना परिवार। भारत के लोगों का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एक साथ रह करके कैसे जीवन यापन करें और उनको खुशी किस प्रकार से दें। लेकिन उसका उल्टा, जापान में लोग फैमिली बनाना भी पसंद नहीं करते हैं। जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से उनके मम्मी पापा आते हैं, उस शहर को भी, उस घर को भी छोड़कर वो चले जाते हैं। जब भी 18 साल, 16 साल या 20 साल के उम्र में उस घर को भी छोड़ के वो चले गए, और कभी आने की उम्मीद भी नहीं रखते हैं, कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं। जिस उसके उल्टा हमारे भारत में, अरे आपको तो पता ही है, क्या बताएं। और आठवें नंबर पे आता है क्रिएटिविटी।
हमारे अंदर इनोवेशन और रिसर्च सर्च कूट कूट कर भरी होती है। मैं बात कर सकती हूँ। ब्रिटिश अमेरिकन आरपी पोस्ट ऑस्ट्रेलियन स्कॉटिश कैनेडियन नॉर्फलॉक। ये एक्सेंट ऐसे थे जिनमें आधे के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ कैसे कैसे एक्सेंट है। लेकिन आपने ये सब सीखा कैसे? ये मैंने नेट से सीखा। नेट से सीखा? ओके। आप मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर सकती हैं, राइट? तो आप हमारे साथ जेम्स हैं, आप उनके साथ बात करेंगी जो जेम्स अब आप उनसे बात करके दिखाइए क्योंकि वो कह रही हैं कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में भी बात कर सकती हैं। Okay. I can't understand any, but I believe you can understand British. I can understand British. You can do English. Oh, that's a very good British accent. Thank you so much. Carry on then. Thank you. So, have you met the Queen? No, I haven't met the Queen, but I really want to meet her. You want to meet the Queen? Yes. Can you do any other accents as well then? Yeah, I do American, RP, Post, Australian, Scottish, Australian. Canadian. Oh, let me hear the Australian one. That's actually, I love this accent the most because it's a little bit fast and we use so many of the slang, so I think it's the most business I've ever seen. Like, start off becomes sarda, comfortable becomes comfy, so I love this accent a lot. And you just don't stop talking in it either, do you? And you can do Scottish? I can do Scottish because there I love that or that type of because I love that one. Hey, twirling your tongue? Oh, okay. I'm not even going to try it much. Just like I wouldn't try an Indian so accent do you either. Scottish accent. I know a bit of the Scottish. वहीं दूसरी तरफ जापानीज लोग ट्रेडिशनल वे में जाना पसंद करते हैं और टीम में काम करना पसंद करते हैं। जहां एक रास्ते को फॉलो कर रहा है वहीं पीछे से दूसरा आएगा, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए चला जाएगा जिंदगी के अंत तक। उसके ठीक उल्टा हमारे यहाँ, एक ने कोई कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा तीसरा चौथा नई नई सोच नई नई आविष्कार आती हैं और उसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते भी जाते हैं। इसी वजह से स्टार्टअप हमारे इंडिया में कहीं कई गुना जापान के कॉरेस्पॉन्डिंग ज़्यादा है। और बाकी के दो कौन बताएगा, मैं तो नहीं बता रहा। आप खुद ही सोचिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो क्या दो चीज़ें हैं जिसमें इंडिया जापान से आगे है। और ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब के साथ साथ हमें पर्सनल मैसेज भी कीजिएगा।